નમસ્કાર સત્કેઉલ વિદ્યામંદિર પરમગુરુ પાઠશાળા સંકુલમાં હું વકીલા રોહિણી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ઓનલાઈન શિક્ષણ પદ્ધતિમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ એક હિન્દી વિષયમાં અભ્યાસ કરીશું હિન્દી વિષયમાં યુનિટ નંબર વન तिमा वर्णमाला टॉपिक्स कवर न से तक हम पढ़ेंगे तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा अक्षर है ये न, नल का न है तो न से शुरू होने वाले शब्द और न से जो भी शब्द बनते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ देखो बच्चों पढ़ो और लिखो लखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है न नल का चित्र है नल आप सबने देखा ही होगा नल कैसा होता है तो ये नल का चित्र है और ये अक्षर न है और इसके पास न ल और इसके नीचे डॉट से न लिखा है उसी डॉट को हमें पूर्ण करना है और न ल शब्द लिखना है नल को गुजराती में हम नड़ कहते हैं तो यहाँ चलो न ढूंढकर उस पर गोला बनाओ न सोधी तेना ऊपर गोड़ बनाओ तो बच्चों यहाँ कहीं सारे अक्षर दिए गए हैं उसी अक्षरों में से हमें न ढूंढना है और उस पे हमें गोला करना है तो जो बच्चों यहाँ सब अक्षर हम पढ़ लेते हैं तो पहला अक्षर न दूसरा ब द बच्चों यहाँ अक्षर हम पढ़ चुके हैं तो इसी अक्षरों में से जितने भी न है उस पर हमें गोला करना है और ये देख के आपको अपने पुस्तक में भी गोला बनाना है तो जो बच्चों पहला न है उस पर गोला बनाओ उसके पास ब चौथा अक्षर न है तो उस पर गोला बनाओ च भ और इसके पीछे न है तो गोला बनाओ या छा बाद में न आता है तो उस पे गोला बनाओ त ह और न तो न पे गोला बनाओ ऐसे बच्चों आपको अपने पुस्तक में गोला बनाना है और ये नोटबुक में भी लिखना है यहाँ पढ़ो रंग भरो और बिंदुओं को मिलाओ तो पढ़ो या कि वाँचो ये नल का न है और उसके पास हमें रंग भरना है अच्छे से मिनिया रंग भरना है तो न नल का न और यहाँ टप टप बिंदुओं से हमें न लिखना है तो उसी बिंदुओं को हम जोड़ करके के मिलाए के और न बनाए के नल का न पढ़ो और लिखो बच्चों यहाँ मैंने ना लिखा है वैसे ही आपको अपनी पुस्तक में लिखना है जितने भी डॉट दिए गए हैं उसी डॉट को हम पूर्ण करेंगे और अक्षर लिखेंगे और यहाँ देखो बच्चों न को न से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो या कि न ने न ना थी शुरू तथा चित्रों साथे जोड़ो विद्यार्थी मित्रों यहाँ गोला दिया गया है उसी गोला में नल ना का न लिखा है उसी अक्षर से शुरू होने वाले शब्द और चित्र दिए गए हैं उसी को हम पहचानेंगे और उस पर गोला करेंगे और जोड़ बनाएगी जैसे कि यहाँ शब्द दिए गए हैं तो दा नगाड़ा दर्जी नक्शा तराजू नथ अने नख इसी शब्दों में से कौन से शब्द है जो न से शुरू होते हैं तो जो बच्चों यहाँ नगाड़ा तो न से शुरू होता है तो उस पर गोला बनाओ और जोड़ बनाओ और यहाँ नक्शा तो नक्शा न से शुरू होने वाला शब्द है तो नक्शे पे गोला करो और उससे जोड़ बनाओ और यहाँ न थ तो न से शुरू होता है तो इसलिए उससे न गोला करो और न से जोड़ो न ख तो नख पे गोला करो और न से जोड़ो ऐसे अपनी पुस्तक में करना है और यहाँ देखो बच्चों न के नीचे रेखा खींचो या कि नी नीचे लिटी करो तो धन मकान नदी नगर नक्शा अने मान बच्चों यहाँ कहीं सारे शब्द दिए गए हैं उसी शब्दों में से हमें न ढूंढना है और उसके नीचे हमें लिटी करनी है तो देखो बच्चों ध न तो दूसरा शब्द है वो न है तो उसके नीचे लिटी करो और दूसरा म का न तो तीसरा शब्द है तीसरा अक्षर है उसके नीचे रेखा करो जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही आपको अपनी पुस्तक में करना है और तीसरा नदी तो पहला अक्षर है वो न है तो उसके नीचे रेखा करो नगर तो पहला अक्षर न आया है तो उसके नीचे रेखा करो और यहाँ नक्शा तो पहला अक्षर न है तो तो रेखा करो मान न तो दूसरा अक्षर न है तो उसके नीचे रेखा करो ये भी अपनी पुस्त नोटबुक में लिखना है तो न से अलग वर्ण पर चौकड़ी करो तो न थे जुदा अक्षर पर चौकड़ी करो तो यहाँ कई सारे अक्षर दिए गए हैं उसमें से जो भी वर्ण है जो भी अक्षर है वो न से अलग पड़ते हैं उस पर हमें क्रॉस या कि चौकड़ी करना है तो जो बच्चों न व र न ख अने प तो बच्चों यहाँ कहीं अलग अलग अक्षर दिए गए हैं उसमें से हमें न पे चौकड़ी नहीं करनी और बाकी के जो अक्षर है उस पर चौकड़ी करनी है जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही अपने पुस्तक में करना है और ये अपने नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है और यहाँ देखो बच्चों पढ़ो और लिखो वाचो यानी लिखो तो यहाँ चित्र दिए गए हैं उसी चित्र को हम पहचानेंगे और शब्द पढ़ेंगे तो पहला चित्र नगाड़ा और उसके नीचे डॉट से न लिखा है उसी डॉट को हम पूरा करेंगे और न बनाएंगे और उसके नीचे पूरा न लिख के नगाड़ा लिखेगी अच्छे शब्द बनाएगी और दूसरा चित्र है वो न ख का है न ख उसके नीचे डॉट से न लिखा है डॉट को पूरा करके न बनाना है और उसके नीचे न ख तीसरा न थ और चौथा न ट वैसे ही आपको करना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसा ही अपने पुस्तक में लिखना है शब्द में से न ढूंढकर उस पर गोला बनाओ तो शब्द थी न सोती तेना ऊपर गोड़ करो तो नया तो न, न पर गोला करो नटखट न पे गोला करो मिलन न पे गोला करो और पावन तो न पर गोला करो वैसे पुस्तक में अच्छे से करना है और ये है पतंग का यह अक्षर कौन सा है प पतंग का अब हम ये प को हम पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ो और लिखो वाचो अने लिखो तो ये अक्षर प पतंग का प है यह चित्र भी दिया है और उससे हम पढ़ेंगे प तंग और यहाँ जो भी डॉट से दिया गया है उससे डॉट को हम पूर्ण करेंगे और पूरा अक्षर बना के शब्द बनाएंगे और यहाँ देखो बच्चों प ढूंढकर कर उस पर गोला बनाओ आगे हम न सीख गए हैं वैसे ही यहाँ करना है जितने भी प है उस पर हमें गोला बनाना है मैंने यहाँ किया है वैसे ही आपको करना है और यहाँ पढ़ो रंग भरो बिंदुओं को मिलाओ तो बच्चों ये प पतंग का प है और पास में हमें रंग भरना है और तीसरा प है उससे हमें आ, उस बिंदु को हमें मिलाना है और प बनाना है बच्चों यहाँ नीचे पढ़ो और लिखो यहाँ प मैंने लिखा है जितने भी डॉट से प लिखा है उसे डॉट का हम पूर्ण करेंगे और प बनाएंगे और उसके नीचे हमें आ, लिखना है प पतंग का प यहाँ जैसे मैंने लिखा है वैसे पढ़ के आपको लिखना है प को प से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो या कि प ने प से शुरू तथा चित्रों साथे जोड़ो आपने आगढ़ आगे जोई गया चाहिए कि प पतंग का प यहाँ है तो प प से शुरू होने वाले शब्द पे हमें गोला करना है और उससे जोड़ बनाने हैं जैसा कि पतंग तो प पे पतंग पे गोला करो और उससे जोड़ बनाओ और यहाँ पहिया तो पहिया पे गोला करो और जोड़ बनाओ पटाखा तो उस पर गोला करो और जोड़ बनाओ पलंग तो पलंग पे गोला करो और जोड़ बनाओ ऐसे आपको करना है यहाँ प के नीचे रेखा खींचो या कि प ने नीचे लिट्टी करो तो पतंग दीपक पहाड़ गणपति पटरी और पगड़ी यहाँ जितने भी प है उसके नीचे रेखा खींचनी है या कि लिट्टी करवानी है तो यह मैंने किया है वैसे ही अपनी पुस्तक में आपको करना है प से अलग वर्ण पर चौकड़ी करो या कि प ही जुदा अक्षर पर चौकड़ी करो तो यहाँ जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है फ क अक्षर है वो प से अलग बढ़ते अक्षर है तो उस पे चौकड़ी करना है और यहाँ पढ़ो और लिखो या कि वाँचो अने लिखो तो पहला चित्र पहिया दूसरा पगड़ी पलंग और पटखा पटखा तो उसके नीचे बिंदुओं से लिखा है तो बिंदुओं से प लिखना है और पूरा शब्द बनाना है और तीसरा शब्द है वो हमें खुद प लिखना है और पूरा शब्द बनाना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको अपने पुस्तक में लिखना है शब्द में से प ढूंढ कर उस पर गोला बनाओ या कि शब्द माथी प थे ना ऊपर वर्तूड़ बनाओ जैसे कि पटरी पवन कपड़ा अने पक्षी जितने भी प दिखाई देते हैं उस पर गोला करो जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही आपको करना है तो बच्चों आप अपने पुस्तक में अच्छे से ये वर्क करना है केवल साहेब